साई जी, सवाल यह है कि बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर है, लेकिन सवाल यह है कि कबीर सिंह के हमने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट अंदाज देखे, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल देखे, जैसे अल्कोहल लेता है, स्मोक करता है, वो आइस को अपने पैंट में रखता है, आपका कौन सा फेवरेट रहा? आइस को पहन के रखता है, पैंट में रखता है, पैंट में रखता है, आपका कौन सा फेवरेट रहा? एंड शूटिंग के दौरान आपको बहुत ही आपको एंजॉय किया? बहुत गर्मी थी, आइस वाला मस्त था। बहुत गर्मी हो जाती है ना बॉम्बे में। एंड कियारा जी, तकरीबन हाय कितने किसिंग सीन होंगे आपके एंड शाहिद के? एंड मैंने गिने नहीं अभी, आपको देखना पड़ेगा 21 जून को। उसी का पैसा है शाहिद सर। ऑलराइट अरुण, वी विल कम बैक टू यू, एक सेकंड बस, वी विल जस्ट टेक द चेयर्स। या एक सेकंड, हां शाहिद सर योर लेफ्ट, चेयर लगा ले यार, एक मिनट। अरे अरे अरे, बैठने तो देंगे हम उसको, फिर साफ भी करना पड़ेगा, थोड़ा डस्टी है जी। किधर थे हम लोग? शायद योर लेफ्ट। राहुल यार फ्रॉम द फिल्मी चर्चा, मेरा सवाल आपसे ये था, सबसे पहले तो ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन था, और थैंक यू बड़ी। और एक चीज आपने नोटिस किया होगा, टीजर में भी गाली थी, अभी भी नोटिस किया होगा कि आपके एक्शन और रोमांस से ज्यादा आपकी गाली पे सीटी बजी थी सर, तो मेरा सवाल ये था, खैर फिल्म में तो गालियां मनोरंजन के लिए डाला गया है, पर आपका रियल लाइफ में गाली से कैसा एक्सपीरियंस है? आखिर आपकी नजरों में गाली है क्या, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है सर? बेटा PhD करना पड़ेगा ये सवाल में। गाली के ऊपर आज तक PhD का ऐसा कहीं पे भी सिलेबस में है नहीं, सिर्फ कबीर सिंह के सिलेबस में हो। नो बट मैंने इसलिए शुरुआत में जब हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की थी फिल्म की, मैंने यही कहा था कि प्लीज़ आप फिल्म की जो सोल है, फिल्म की जो लव स्टोरी है और जो कैरेक्टर का पेन है, प्लीज़ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप 2-2.5 मिनट का ट्रेलर देख रहे हैं, उसमें ज़्यादातर फिल्म की कहानी, और क्योंकि ये टाइटल रोल है इसलिए कैरेक्टर का एटीट्यूड, क्योंकि आप कबीर सिंह को देखने आ रहे हैं, सो यू वुड नीड टू नो कि कबीर सिंह है कौन। मैं 2-2.5 घंटे उसको झेल पाऊंगा, नहीं झेल पाऊंगा? मुझे एंटरटेन करेगा, मुझे रुलाएगा, मुझे हंसाएगा, क्या करेगा? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ कबीर सिंह एंड द हेड स्पेस ऑफ द कैरेक्टर। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगता, जब मैंने ओरिजिनल भी देखी थी इसकी, एक्चुअली ओरिजिनल फिल्म है अर्जुन रेड्डी, जो काफ़ी सिमिलर फिल्म है, तो अगर आप वो देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि ये 2.5 मिनट के अंदर इतना ही समझा सकते हैं हम लोगों को, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे 2.5 घंटे की, यू विल अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ द कैरेक्टर एंड होपफुली यू विल कम अवे विद समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज द लव स्टोरी इज़ वेरी पैशनेट एंड वेरी ऑनेस्ट। येस, द कैरेक्टर हैज़ अ क्रेजी एटीट्यूड एंड येस दैट्स एक्साइटिंग, बट द फिल्म इज़ नॉट जस्ट एक्साइटिंग, देयर इज़ अ लॉट मोर टू इट। शायद शायद ऑन योर लेफ्ट, हाय दिस इज सिमरन सिंह हियर एंड कांग्रेचुलेशंस टू योर टीम फॉर द फैंटास्टिक ट्रेलर। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको जब हमने जब भी ऐसे रोल्स में देखा ना, एजी रोल, जैसे हमने अभी जस्ट आपने भी बात की, कमीने हो गई या हैदर हो गई या उड़ता पंजाब, ऑल दिस फिल्म्स, एंड अगर बात करें तो एक जो कमर्शियल एक जो एलिमेंट होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग होता है, बट इस मूवी में वो दिखाई दे रहा है, तो आप वो बताइए कि हाउ डिफरेंट इज इट व्हेन यू प्ले सच अ रोल और व्हेन यू चूज सच अ फिल्म, यू हैव टू, बिकॉज हमने अर्जुन रेड्डी देखी है, इट्स अ वेरी डार्क फिल्म, मतलब देखा जाए तो उसको एक जिस हिसाब से ट्विस्ट किया गया है, जो ऐड किया गया बॉलीवुडनेस जो हम अगर कहे, सो यू ओनली सर, आप ही बताइए। आई थिंक कुछ हद तक इस सवाल का जवाब संदीप को देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट यू लाइक द ट्रेलर। अर्जुन रेड्डी अगर आपने देखी है तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी लोगों को, एंड बिकॉज इट्स अ लव स्टोरी एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट हार्ट ब्रेक ऑल्सो, तो उसके अंदर ऑफकोर्स इमोशनल मोमेंट्स होंगे, पैशनेट मोमेंट्स होंगे, टेक्निकली डार्क मोमेंट्स होंगे, लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म एंड अ वेरी पैशनेट फिल्म। इसको कहीं भी बॉलीवुडाइज वर्ड मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है, बिकॉज उसका मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं, कौन सी चीज़ें फिल्म को बॉलीवुडाइज करती हैं। अगर देखा जाए तो नहीं, फिल्म की जो एनर्जी है और जो वर्ल्ड है हमने उसको चेंज नहीं किया है। इनफैक्ट मे बी संदीप यू वुड लाइक टू कॉमेंट ऑन दैट, दैट इट्स वेरी सिमिलर टू अर्जुन रेड्डी और यू नो। It's pretty much similar, but you know, once the region and the topography changes with the character from Reddy from Hyderabad, Mangalore to Singh from Delhi to Bombay, so things like that will change with the region and the character and the caste system in the north. So other than that, I think we kept the core emotion same and try to treat it in a little different way, we didn't change the skeleton of the film or the core emotion of the film. Oh, dark ka to aise hai, abhi Game of Thrones itna popular hai yaar, it's quite a dark in terms of, you know, so I don't think that makes a difference. As I said, it's not a dark film. As I said, Arjun Reddy was a dark film. It was not a dark film, it was
treated little in a darker way because the film starts with a little gloomy, melancholic mood. So probably you might have felt that way, but it's a very character-driven film. A man with a broken heart, but I don't feel it's a dark film. Oh, ice wala shot nahi dekha tha. Wo dark laga. शायद मेरा सवाल आपसे शायद बहुत-बहुत मुबारक आपको बहुत बेहतरीन ट्रेलर वी जस्ट लव्ड इट और बहुत बार जिक्र करा गया ब्रोकन हार्ट टूटा हुआ दिल लिखता है जब हम आपको देखते हैं ऑन स्क्रीन दिखता है कि हां टूटा हुआ अच्छा मुझे लगा अच्छा ऑन स्क्रीन बोल रहा है ऑफ स्क्रीन जब हम आपको देखते हैं बड़ा टूटा हुआ नहीं नहीं यू आर फुल ऑफ लव वी लव यू थैंक्स तो जब हम बात करते हैं जैसे मैं आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ क्या उस किरदार के अंदर उस बात को डालने के लिए इतना सब कुछ जो कर रहा है मतलब पैंट में आइस क्यूब डाल रहा है और लगा पड़ा है आइस क्यूब नहीं है वो क्यूब फ्रिज में होते हैं हां मतलब वो गोले वाले के पास क्यूब नहीं होते अलग अलग शेप अच्छा वो गोल अलग अतरंगी तरह के जो बर्फ डाल रहे हैं कुछ एक दो पोकी भी होते हैं हां चुपते भी हैं शायद तो क्या क्या खास स्टडी करी जब यू नो टू बी इन कबीर सिंह और हमको दिखता है स्क्रीन पे कि हां दिस इज कबीर सिंह और वाकई में कोई है शख्स जिसका प्यार में दिल टूटा हुआ है और वो उलझुल हरकतें कर रहा है व्हाट व्हाट यू नो सी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग अबाउट डूइंग अ रीमेक स्पेशली जब आप सेम फिल्म मेकर के साथ वो फिल्म बना रहे हैं तो वो एक बार वो फिल्म बना चुके हैं और जो फिल्म कैरेक्टर ड्रिवन होती है जैसे टाइटल रोल है और वो कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी जो है और उसकी लव स्टोरी जो है प्रीति कैरेक्टर के साथ वो ही पूरी फिल्म है उसकी इमोशनैलिटी और उसका इमोशनल आर्क ही फिल्म है तो उसको रीडिस्कवर करना बहुत चैलेंजिंग होता है बिकॉज मुझे ओरिजिनल फिल्म बहुत अच्छी लगी थी और मुझे उसमें विजय का काम बहुत ही बेहतरीन लगा था और ऐसा लगा था पता नहीं मैं उतना अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा बिकॉज उन्होंने बहुत ही अच्छा निभाया उनकी पहली फिल्म थी लोगों ने पहली बार उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है एक अलग अपील होती है लेकिन जब मैं और संदीप मिले हमारी कोशिश यही थी कि हम कबीर सिंह की सोल को ढूंढ सकें और कबीर सिंह के दिल का जो दर्द है और उसकी जो इंटेंसिटी है और उसका जो पर्सोना है उसको लोगों तक पहुंचा सके सो द एफर्ट वॉज टू ट्राई एंड मेक एन ओरिजिनल फिल्म विदाउट यू नो लूजिंग द इनहेरेंट ब्यूटी ऑफ अर्जुन रेड्डी दैट वॉज आर इंटेंट एंड यू सेड दैट यू आर फीलिंग दैट यू आर कनेक्टिंग विद द कैरेक्टर एंड इफ दैट इज द फिल्म आई मीन अगर आप कबीर सिंह के साथ कनेक्ट करेंगे और अगर आप कबीर और प्रीति की लव स्टोरी के साथ कनेक्ट करेंगे देन आई डोंट थिंक यू विल बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज इट्स यू नो इट्स अ लवली फिल्म इट्स अ लवली फिल्म तेरा नहीं टूटा गया सबका टूटा भाई जिसका नहीं टूटा है वो हाथ उठाओ देखो एक भी हाथ नहीं उठा भूषण जी के भी हाथ नीचे हैं कियारा का भी हाथ नीचे है संदीप के तो दोनों हाथ नीचे क्योंकि इसने तो बनाई है फिल्म सबका टूटा है यार शायद शायद ऑन योर राइट शायद हाय आप मिले होंगे मुझसे इस फेज में मेरी लाइफ के कभी नहीं देखा आपने सिर्फ फर्क ये था कि मैं क्लीन शेवन रहता था तो दिल में मेरे क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता था दिल तो सबका टूटता है एंड आई थिंक कबीर सिंह के लेवल तक कोई नहीं ले जाता बहुत कम लोग होते हैं जो उस लेवल तक ले जाते हैं सिचुएशन को दैट्स व्हाई प्रोबेबली ही इज अ कैरेक्टर दैट यूड वांट टू वॉच अ फिल्म अबाउट बिकॉज ही इज सो डिफरेंट एंड सो न्यू बट ऑफकोर्स दिल टूटता है जब दिल टूटता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता ऐसा लगता है ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रहे हो आप लाइफ में कुछ कलर नहीं होता बट देन यू हैव टू गेट ओवर इट एंड मूव ऑन है ना जस्ट लाइक यू ऑल्सो डिड दैट या First of all, amazing trailer, Ankita Thank from you Republic. So much. Thank you. My question is, adding it to her, कि कहीं ना कहीं आपने अपने personal life के भी events से एक प्रेरणा ली to you know play a character like that? नहीं, मैंने सिर्फ संदीप की personal life से प्रेरणा ली है. Did you see the movie? आपने कितनी बार उस film को देखा? Arjun Reddy? Yeah. मैंने एक बार देखी थी इनफैक्ट भूषण जी ने मुझे देखने के लिए कही थी एट दैट टाइम नोबडी हैड द राइट्स देन मुराद भाई टुक द राइट्स ऑफ द फिल्म एंड व्हेन ही केम टू मी वी हैड यू नो आई टोल्ड हिम आई लव द फिल्म बट आई डिडंट नो हु हैड द राइट्स ऑफ द फिल्म और वेदर इट वुड बी मेड इन हिंदी और हमारी बातचीत हुई तो दोनों को ये महसूस हुआ कि संदीप को छोड़ के ये फिल्म कोई बना नहीं सकता हमें ये भी नहीं पता था कि संदीप को हिंदी आती है नहीं आती है यू नो व्हाट इज हाउ मच डज ही अंडरस्टैंड वुड ही बी ओपन एंड विलिंग टू डू अ रीमेक ऑफ द सेम फिल्म इन हिंदी फिर हम संदीप से मिले एंड वो मुझसे हिंदी में बात कर रहे थे इंग्लिश में बात कर रहे थे यू नो ही इज यंग ही इज कूल ही इज हैपनिंग ही डजंट फील लाइक द काइंड ऑफ गाय दैट यू नो वुड हैव यू नो सो वी डिडंट वी फेल्ट लाइक ही इज समबडी हु कुड हैव मेड अ हिंदी फिल्म ही सेड ही इज वेरी कंफर्टेबल इन द लैंग्वेज एंड दैट्स हाउ द फिल्म हैपेंड आल्सो थोड़ा सा हटके एक और क्वेश्चन है बट इट इज इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप इज कमिंग अप इट्स अप्रोचिंग एंड आई थिंक यू आर अ क्रिकेट फैन
So a small wish for Virat Kohli and for the team India, if you can, you know. You like Virat Kohli a lot, na? Well, you took his name and then the rest of the team was on one side. Virat Kohli and the team. He's the captain, of course, then, of course. No, wishing the Indian team all the best. We have a great chance this year. I think we're a fantastic team. And I'm really looking forward to it. I really have very high hopes this year. I'm sure we're going to go very far. Shahid, on your right, Faridun from Border Nangama. Yeah, hi. Hi, Faridun. Excellent promo. Classy bhi hai, masi bhi hai, shiddat bhi hai. मेरा आपसे सवाल ये था कि दैट यू हैव हैड एक बार और बोल दे यार तू अपने चैनल पे बोल देना ये क्लासी भी है मासी भी है शिद्दत भी है सेट है ब्रो जी सो माय क्वेश्चन टू यू इज दैट यू हैव हैड सम फिनोमिनल परफॉर्मेंसेस इन योर फिल्मोग्राफी वेयर यू रेट कबीर सिंह एज वन ऑफ योर बेस्ट परफॉर्मेंसेस आई डोंट थिंक आई कैन कमेंट ऑन यू नो माय ओन परफॉर्मेंसेस बट आई वुड रेट इट pretty high in terms of degree of difficulty. That's usually how I judge my performances, ki yaar kitna mushkil hoga. So I did feel very insecure and very unsure and very nervous, especially because this is the first time I've done a remake. You know, I've never done a remake where I've seen somebody else's performance and then played that role. It's very different when you read a text, you know, when you read a script and then you talk with the filmmaker and you come up with something where there is no, you know, nothing to compare it to. It's fresh, it's original. But here, there already was somebody who did such a wonderful job. So that does change things and makes it a little tricky, you know, because you have to take certain decisions, which it's a very thin line between making it so original that it tends to become too different from what it needs to be and making it too similar because then it doesn't feel like a fresh performance. So that, to me, was the most challenging thing about Kabir Singh. Faridun, we can answer that and tell you that this is probably his finest performance because every scene, and I can say this and I can vouch for this, that I shot with him, there was not a moment in that didn't feel honest and didn't feel real. And we would see him in his zone, all of us, every single person on set. And by the way, this is the OG, the original Kabir Singh. Arjun Reddy is actually our director. So you had so much angst and intensity on set that it would just flow. Everything was raw and real. Yeah, we had two intense bulls on the set all the time. And then there was me in between. Sandeep. And she was the nice energy. You know, the first schedule that we shot was without Kiara. And, you know, it was very angsty because we're doing all the bearded portions of the film. And the minute Kiara came, everybody became nice and happy. And, you know, female energy is so important, I tell you. Bhushan ji, aapke right mein. सवाल ये है कि क्योंकि अर्जुन रेड्डी बहुत ही हिट हुई थी इसलिए एज एन प्रोड्यूसर आपने चूज किया या कोई खास वजह सी बहुत ही डिफरेंट फिल्म है और मींस वी ऑलवेज एज प्रोड्यूसर्स वांट टू शो सिनेमा व्हिच इज़ वेरी डिफरेंट टू फॉर द बॉलीवुड ऑडियंस सो नॉर्मली ऐसा होता है रीमेक्स लोग ये सोच के बनाते हैं कि बहुत बड़ी हिट हुई है तभी हम बना रहे हैं बट दिस वॉज रियली वेन आई सॉ द फिल्म उसमें जो कैरेक्टर था But I can still get over of that character of Shahid Kapoor in that. So it's amazing. Kiara ji. Abhe ya to mic unko de de ya sawal pooch le. Okay, Kiara ji, sawal ye hai ki teaser mein humne dekha tha ki Shahid ji aapko different andaaz mein kiss karte hain. Aapka koi reaction nahi? Are tere bahut time se kya koi girlfriend wolfriend nahi rahi hai kya? Nahi nahi nahi. Aapne bataya na ki paisa usi ka hai. पैसा उसी का है आपने बताया ना मैंने बोला अगर देखना है तो पैसा देना पड़ेगा कियारा जी उसी का है नहीं बोला वो तूने समझा ऐसा तेरे मन में वही अटका कियारा जी अरे पप्पी छोड़ के कोई सवाल पूछे एक्टिंग वैक्टिंग भी की इस पिक्चर के अंदर लोगों ने एक्टिंग तो हमें दिख रही है एक्टिंग तो हमें दिख रही है ना वो तो हिट होने वाली है संदीप सर दिस साइड दिस नहीं मैं उम्र में भी बड़ा ही हूँ ब्रो बोल दे कोई टेंशन नहीं है दो बच्चे हैं प्रूफ है मेरे पास Absolutely, like I just said also, while working with him, there was never a moment that I didn't feel like it was honest. And Preeti is somebody who's more responsive than reactive. She's the opposite of Kabir. So every time I had to feed off that energy and it was just so easy to work with him because I just had to react. I just had to respond to everything he was doing and he made it easy for me. And I don't know, I think from day one, there was never any effort that had an added effort or an extra effort that was needed. It just flowed. It felt magical. It was organic. And I don't know, I think he's one of the finest actors that we have and maybe that's why even such an amazing co-star to work with. Sandeep sir, this side, to your left.
Jyoti from Movies Adda. My question is, first of all, amazing trailer, and Shahid is looking superb. Kiara, you're looking beautiful. And aapke liye Shahid pehli choice the, matlab Shahid hi kyun? Of course, we have no doubt Shahid is an amazing actor. Wo trailer mein bhi dikh raha hai. But aapke dimag mein kya thought process tha to choose Shahid for this role? I didn't choose him, it just fell in place. Things fell in place. And actually, it's not the point of first choice, but the moment I came to know that, you know, mutually everybody are interested, then there was no second thought. So it went after that. And yeah. Shahid, towards your right. Hi. The trailer looks amazing. You've got, yeah. The trailer looks amazing.